हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? और मैं आपके लिए एक वीडियो और लेकर के आया हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे बता दूँ आपको कि हमारे पास एक वीवो का लेटेस्ट हैंडफोन है। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये वीवो का आपने देख करके ही समझ गए होंगे कि ये वीवो का एक हमारा फ़ोन है, वीवो V15 Pro है, जो कि एक बहुत ही वीवो का लेटेस्ट फ़ोन है, जो कि अभी मार्केट में करंट में ये चल रहा है। बहुत सारी वीडियो बनी होंगी, अगर आपको वीडियो पता है तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप कर सकते हैं। आप को अगर नहीं पता है तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, किसी यूज़र ने इसके पासवर्ड को भूल गया है, इसके किसी के यूज़र का है ये फ़ोन और वो पासवर्ड भूल गए हैं। तो बहुत ही इजी तरीके से हम इसके पासवर्ड को रिमूव करेंगे। तो आपको बता दूँ, यहाँ पे फ़ोन को आपको नहीं खोलना है, कुछ भी आपको नहीं करना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ऑनलाइन सेट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मैं यहाँ पे प्रॉपरली तरीके से करके दिखाऊंगा कि इसकी अनलॉकिंग जो है बहुत ही सिंपल वे में मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे, बट अगर आपको पता है तो आप बिल्कुल ही वीडियो को स्किप कर सकते हैं। बट आपको नहीं पता है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, तब जाके आपको प्रॉपर समझ में आएगा कि ये एक्चुअल में कैसे हटा है, जेन्युइन है कि फेक है। तो चलिए हम आपको अपने PC में ले चलते हैं और वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, हमने आपको वहाँ पे बताई दिया है सारी चीज़ें, इंट्रो वहाँ पे आपको करी दिए। तो सिंपली तरीके से हम बात ना करते हुए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और वहाँ पे आपको मैं यहाँ पे इसको अनलॉकिंग जो दिखाने वाला हूँ फ्रेंड्स, आप इसको MRT से देखे होंगे। UMT का भी इसमें सपोर्ट नहीं आया है, फिर भी आप ट्राई कर सकते हैं, और MRT में भी इसका सपोर्ट दिया हुआ है। फिलहाल हम इसको करने वाले हैं मिरेकल से करने वाले हैं, तो मिरेकल को ओपन कर लेते हैं और उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करते हैं। तो मिरेकल थंडर को हम ओपन कर लेते हैं फ्रेंड्स और सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप हम करके बताएंगे यहाँ पे। तो ये मिरेकल को हमने ओपन कर लिया। मिरेकल, अब इसके लिए आपको नेट कनेक्ट होना चाहिए, तो मैं एक बार फटाक से नेट को कनेक्ट कर देता हूँ। हालांकि नेट कनेक्ट है, मैं फिर से, तो फ्रेंड जैसा कि देख सकते हैं हमारा मिरेकल ओपन हो चुका है। अब सिंपली ये हमारा नेट इशू था, इसलिए वो ओपन नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे हमारा ये मिरेकल बहुत ही इजीली तरीके से ओपन हो चुका है। तो फ्रेंड सिंपली कुछ भी नहीं करना है आपको, आप MediaTek इसमें CPU लगा हुआ है और सर्विस में जाना है, और यहाँ पे आपको सिंपली फॉर्मेट पे टिक करना है फ्रेंड्स, फॉर्मेट पे टिक करने के बाद आपको इसका बूट लेना है, जो कि बूट इसका बूट 8 है। अगर आपको बूट पता नहीं है तो बूट आप 4 ले सकते हैं, बट हमें पता है तो हम इसका जो बूट है वो हम 8 लेंगे। उसके बाद जो यूनिवर्सल है, मैं यहाँ पे हमारा वीवो का फ़ोन है, तो वीवो का 83 हम ले लेंगे, ये वीवो का 83X2i हम ले लेंगे यहाँ पे, जो कि इसको हम यूनिवर्सल भी बोल सकते हैं क्योंकि बहुत सारे फ़ोनों को ये सपोर्ट करता है। तो मैं एक अपडेट पहले भी अपने काफ़ी वीडियो में दे चुका हूँ आपको कि ये जो मेटा मोड है, ये जो ब्राउन मोड है, ये जो एडवांस है, ये आपका डायरेक्ट फ्लैश मोड पे काम करेगा, और जो आपका ये आप इस पर टिक करेंगे मेटा मोड पे, तो ये पहले नहीं था मिरेकल में, पर भाई ये मिरेकल वालों ने बहुत अच्छा एक अपडेट दे दिया है कि आपका यहाँ पे मेटा मोड में कर देगा। तो फ़ोन को आपको सिंपली, अब हमने यहाँ पे मेटा मोड में कर दिया है, तो सिंपली फोन अब हमें स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है स्टार्ट, क्योंकि अभी आपके बैकअप के लिए पूछ रहे हैं, तो हमें कोई भी बैकअप नहीं चाहिए, तो हम इसको नो कर देंगे। अब USB केबल से कनेक्ट करेंगे। तो देखिए इसमें चार कनेक्शन हो सकता है, या तो वैल्यूम अप, या तो वैल्यूम डाउन, या तो अप डाउन दोनों, या तो डायरेक्ट केबल। तो मैं इसको लगाता हूँ डायरेक्ट ग्राउंड मोड में, इसको कनेक्ट करता हूँ ग्राउंड मोड में, इसको कनेक्ट करना है ग्राउंड मोड में, कनेक्ट होगा उसके बाद ये मेटा मोड में ऑटोमेटिक ले जाएगा, जो कि उसके लिए एक ड्राइवर होता है। मैंने पहले बता दिया है कि आप में इसमें CDC ड्राइवर होने चाहिए, अगर CDC ड्राइवर नहीं होगा तो हमारा फ़ोन कनेक्ट नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे डिवाइस मैनेजर को भी साइड में खोल लेता हूँ, जिससे कि आपको पता चलेगा कि हमारा फ़ोन कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये डिवाइस मैनेजर हम खोल लेते हैं, और डिवाइस मैनेजर खोलने के बाद इसमें एक CDC ड्राइवर होता है MediaTek का। एक CDC ड्राइवर अगर आप नहीं चलाएंगे तो मेटा मोड में आपका कोई भी वर्क नहीं करेगा, मैं पहले बता देता हूँ। इसके लिए मैंने एक वीडियो प्रॉपर पहले तरीके से बना दिए। तो फ़ोन को सिंपली आपको ऑफ़ कर देना है, और फ़ोन को हम डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं। तो फ़ोन को प्रॉपरली तरीके से आपको ऑफ़ करना है, उसके बाद आपको फ़ोन को कनेक्ट करना है। ये फ़ोन को आपको प्रॉपरली ऑफ़ करना है। अगर एक बार नहीं होता है, जैसे कि हमने अभी डाटा केबल एरर हो गया है, तो फ्रेंड्स आपको हमेशा फिर से फ़ोन को प्रॉपरली तरीके से बंद करना है, और उसके बाद ही फ़ोन को आपको ऑन करना है। तो ये इसे हम कर देते हैं फटाक से, वेट करेंगे थोड़ा सा, क्लोज कर देंगे। अब स्टार्ट बटन एक बार और करेंगे, नो करेंगे, क्योंकि आपके लिए बैकअप के लिए पूछता है, ऑलरेडी हमारा बैकअप लॉस हो जाएगा। अब मैंने फ़ोन को डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया है,
तो ये देखिए हमारा फ़ोन ब्राउन मोड में प्रीलोडर में कनेक्ट हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको ड्राइवर भी दिखाऊंगा। तो जैसा कि हमारा फ़ोन मीडियाटेक यूएसबी वीकॉम कनेक्ट हो चुका है, आप यहाँ पे भी देखेंगे तो मीडियाटेक प्रीलोडर यूएसबी वीकॉम ड्राइवर हमारा कनेक्ट हो चुका है। अब ये मेटा मोड में जाएगा फ्रेंड्स, और मेटा मोड में जाने के बाद हमारा आगे का प्रोसेस होगा। तो अभी वेटिंग फॉर यूएसबी पोर्ट हो रहा है। अब ये देखिए ये मेटा मोड में कन्वर्ट कर रहा है। अब ये ड्राइवर यहाँ पे इंस्टॉल करेगा, ये आपका मेटा मोड का ड्राइवर। तो ये देखिए हमारे ड्राइवर सीडीसी ड्राइवर था यहाँ पे, मैं आपको बताना चाहूँगा, तभी जाके ये कनेक्ट होगा और बहुत इजी तरीके से हमारे फॉर्मेट हो चुका है। ये तब प्रोसेस था जब हमारा ये सीडीसी ड्राइवर, हमने कोई भी बूट की नहीं दबाई है यहाँ पे, ये आपका डायरेक्ट ही देखिए ईएलटी, आप यहाँ पे देखेंगे अभी स्टेबल नहीं हो रहा है पोर्ट हमारा, जो कि आपको हमने पोर्ट यहाँ पे नहीं दिखाया पर, बट मैं आपको बताना चाहूँगा, रिमाइंड करना चाहूँगा कि अगर हमारे सिस्टम में सीडीसी ड्राइवर नहीं होता तो हमारा मेटा मोड पे वर्क नहीं होता। तो सिंपली ये हमारा फ़ोन रिस्टार्ट हो चुका है। मैं आपको अब अपने फ़ोन पे ले जा करके दिखाता हूँ कि हमारा ये काम हुआ कि नहीं। तो आप देख सकते हैं प्रॉपरली तरीके से हमारा ये फ़ोन फॉर्मेट हो चुका है। और वीवो की FRP अगर आपको जाननी है तो हमारे आप चैनल में जा करके वीवो की FRP बाईपास वन क्लिक में आप देख सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को आगे आपको दिखाते हैं। तो फाइनली इसको हम फ़ोन को ऑन करते हैं और यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि हमारा ये काम हुआ कि नहीं हुआ फ्रेंड्स। तो ये हमारा फ़ोन प्रॉपरली तरीके से ऑन हो चुका है। आप साइड में देखेंगे कि ये हमारा फॉर्मेट बहुत ही ईजी तरीके से हो चुका है, अगर आपको दिखा दे रहा होगा हमारा फॉर्मेट हो चुका है यहाँ पे। अब ये फ़ोन मैंने साइड में रख दिया है, ये थोड़ा सा बूट करने में टाइम लगता है, तो स्टार्ट होने में तो ये थोड़ा सा बूट फर्स्ट बूट होने में थोड़ा सा टाइम लगाता है, और यहाँ पे हमारा फॉर्मेट बहुत ईजी तरीके से हो चुका है। तो फाइनली हम देखते हैं कि हमारा, हमने इसका जो पैटर्न रिमूव करने का प्रोसेस किया है, अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें बिल्कुल भी। तो ये थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा और मैं आपको यहाँ पे प्रॉपरली दिखाऊंगा कि यहाँ पे काम हुआ कि नहीं हुआ। तो फाइनली ये फ़ोन हमारा ऑन हो चुका है, अब इसको हम नेस्ट करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा जो कि मेन प्रोसेस था वो हमारा डन हो चुका है, जो हमारा पैटर्न था वो हमारा रिमूव हो चुका है। इसी तरीके से इंडिया हम सेलेक्ट करेंगे, अब यहाँ पे इसको एग्री करेंगे, एग्री करने के बाद यहाँ पे सारी चीज़ें, तो फाइनली हम इसे स्किप करेंगे और नेक्स्ट करेंगे, मोर करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पे भी नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे स्किप करेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, स्किप करेंगे, फाइनली ये भी स्किप कर देंगे फ्रेंड्स, स्किप और यूज़ नाउ। तो ये हमारा FRP पे भी लगा है फ्रेंड। तो FRP के लिए अगर आपको जाना है तो आई बटन में जाइए, इसकी FRP चुटकी में आप देख सकते हो, मैंने FRP की बाईपास का वीडियो, यूनिवर्सल बाईपास वीडियो डाला हुआ है। तो इसकी FRP एक सेकंड के अंदर, मतलब एक सेकंड तो नहीं बोल सकते, फिर भी 20 सेकंड के अंदर आप इसकी FRP हटा सकते हो। तो आई बटन में जाइए और इसकी FRP आप देख सकते हैं यूनिवर्सल। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा यहाँ पे मोटिव FRP हटाना नहीं था, यहाँ पे मोटिव था हमारा फ़ोन को फॉर्मेट करना, पैटर्न रिमूव करना। तो थैंक यू सो मच, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। Promise that you're never